मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपको हिंदी रीडर का लेसन वन पढ़ाऊंगी। क्लास फिफ्थ का ये चैप्टर है जिसका नाम है मेरा देश। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है? हमारे भारत का ये नक्शा है, भारत देश का। तो भारत वंदना है, ये एक पोयम है। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान। स्वर्ण मुकुट मस्तक प्रभाता, चरणों में सागर लहराता, मल्य पवन इसको महकाता। इसका अर्थ है कि आओ हम सब मिलकर भारत माँ का वंदना यानी कि गीत गाए। स्वर्ण मुकुट मस्तक प्रभाता यानी कि सोने का जो मुकुट है वो माथे पर अच्छा लगता है, भाता है। चरणों में सागर इसके लहराता है, हमारी जो धरती माता है उसके चरणों में क्या लहराता है? सागर यानी कि उसके पैर छूता है हमारी धरती माता के। मल्य पवन इसको महकाता, सबसे अच्छी खुशबू मानी जाती है चंदन की लकड़ी की, तो उसकी तरह इसको महकता है। हमारा जो देश है वो चंदन की खुशबू की तरह महकता है। सबसे न्यारा जग का तारा भारत देश महान, जो हमारा देश है वो सबसे न्यारा और जग का तारा यानी कि सबको बहुत ज़्यादा प्यारा है हमारा देश। हम सबको अपना देश बहुत अच्छा लगता है। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। राम कृष्ण ने जन्म लिया था, दुष्टों का संहार किया था, जग को नव संदेश दिया था। यानी कि जो हमारी जन्मभूमि है भारत माता है, उसमें राम हमारे जो भगवान माने जाते हैं, आपको पता है रामकृष्ण भगवान है, तो इन्होंने भी दुष्टों का यानी कि राक्षसों का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया, तो इसलिए जग को नया संदेश दिया। इस तरीके से उन्होंने बुराई पर अच्छाई को दिखाया, तो इस तरह से एक नया संदेश दिया है हमारे भारत देश को। लहर लहर नदियां भी करती इसके ही गुणगान, जो हमारी नदियां है देश में वो भी भारत माता के गुणगान करती है। आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान। चंद्रगुप्त की जन्मभूमि यह, महाराणा की वीर भूमि यह, वीर सेवा की कर्म भूमि। यानी कि चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने भी यहाँ पर जन्म लिया, और महाराणा की वीर भूमि है ये, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी वीरता दिखाई है। जब आप किसी चैप्टर पढ़ोगे महाराणा प्रताप के, तब उनकी वीरता का इसमें पता चलेगा। और वीर सेवा की भी है कर्म भूमि है, वीर सेवा ने जो कर्म किए हैं उसके बारे में बताया है। भगत सिंह वर्ती ने इस पर किए प्राण न्योछावर। यानी कि जो भगत सिंह है आपको जानते होंगे, ये हमारे देश को आज़ाद कराने में इन सब लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो इन्होंने अपने प्राणों की डरते ना हुए अपने देश की खातिर अपनी जान तक भी दे दी, यानी कि इनको फांसी पर लटका दिया गया था अपने देश की खातिर, और ये हंसते हंसते फांसी पर लटक भी गए थे। आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान। भारत भूमि मातृभूमि हम सबको प्यारी, जग में इसकी छवि है न्यारी। जो हमारी भारत माता भूमि है वो सबको बहुत ज़्यादा प्यारी है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जग में इसकी छवि है न्यारी, सबसे अलग ही छवि है, सबसे ज़्यादा सारे देशों में सबसे अच्छा देश माना जाता है। कोटि स्वर्ण इस पर बलिहारी, यानी कि करोड़ लोग जो हैं हमारे भारत देश पर बलिहारी है यानी कि कुर्बान है। इसकी रक्षा हित हम कर दे अर्पित अपने तन मन प्राण, अपने देश की रक्षा के लिए हम अपने तन मन और प्राण को भी न्योछावर कर सकते हैं। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। तो बच्चों एक बार आपको फिर से ये पोयम पढ़नी है, अच्छे से रीड करनी है। इस कविता में भारत की भूमिका, भारत की महिमा का वर्णन विविध रूपों में किया गया है, यानी कि भारत की भूमिका के महिमा क्या क्या इसमें खूबियाँ है भारत में वो बताई गई है। इस भूमि को जन्म भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि आदि रूपों में दर्शाया गया है। हमारी जो मातृभूमि है उसको किन किन रूपों में बताया गया है, नामों से बताया गया है। तो ये इस लेसन के शब्दार्थ है जो आपको पढ़ने हैं, अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।